वो तो दानव ही हो सकता है। विचार करना इस बात को, सोचना जरा, परमात्मा ने बुद्धि दिया है तुमको, विचार करना, चिंतन करना। तारकासुर ने अपनी पूजा शुरू कराई, चारों ओर आतंक फैल गया, यज्ञ बंद हो गए, पूजाएं बंद हो गई, चारों ओर हाहाकार मच गया। अब पूरी पृथ्वी पर संक्रमण बंद हो गए। तारकासुर अति बलशाली होकर के स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को भी परास्त कर देता है। देवता हार गए और कहते हैं कि पर्वतों की गुफाओं में छुप करके देवताओं ने अपना समय बिताया। देवताओं ने कहां समय बिताया? गुफाओं में छुप के, कहीं तारकासुर आके हमको मार ना दे। देवताओं को भी मारे मारे घूमना पड़ा, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी न्यारी होती है। कर्मों की गति बड़ी, हमारे ध्यान देने की बात है। देवताओं को कौन से कर्म का दंड मिला है? देवता राजा दक्ष के यज्ञ में शामिल हुए थे। कहां शामिल हुए थे? शंकर जी के विरोध में जो यज्ञ कराया गया था, उस यज्ञ में देवता शामिल हुए थे। उसी कर्म का आज परिणाम ऐसा मिल रहा है कि देवताओं को मारे मारे भटकना पड़ता है। देवताओं को बोलो, बड़े दुखी देवता अब विचार करने लगे कि हमको हमारा पद दोबारा कैसे मिले। कोई MLA विधायक, कोई MP हार जाए ना, हार जाए कोई MP अगर, या कोई विधायक, क्या कहते पंजाब में, MLA हार जाए तो अगले 5 साल कुर्सी में लगा रहता है कि दोबारा कुर्सी कैसे मिले। देवता भी वैसे, देवता सोच रहे हैं कि दोबारा हमको हमारा पद कैसे प्राप्त हो। सोचा कि दोबारा पद तो हमको हमारे गुरु ही दिला सकते। दोबारा पद कौन दिला सकते बोलो? हमारा गुरु में सामर्थ्य है। गुरु तुमको वो दिला सकता है जिससे तुम अलग हो गए। गुरु तुमको वो दिला सकता है जिससे तुम बोलो, हाँ गुरु के अंदर वो सामर्थ्य है, गुरु के अंदर वो सामर्थ्य महाराज तुमको तुम्हारा पद दोबारा प्राप्त करा सकते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की। गुरु के पास गए, बृहस्पति जी के पास, गुरुदेव कृपा करें ये बताएं कि हम अपने पद पे कैसे पहुंचेंगे। गुरुदेव ने उपाय बताया कि अगर किसी तरीके से शंकर जी का विवाह करा दिया जाए, उनके अंश से जो बच्चा पैदा होगा वही तारकासुर को मारे। देवताओं ने हाथ जोड़े, महाराज ये तो हमको भी पता है, आप क्या बता रहे हैं, ये तो हमको भी पता है, आप क्या बताते हैं। गुरु ने कहा मैं उपाय बताऊंगा। गुरु क्या बोले, देखो तुम सबको पता है कि नाम जपेंगे तो कल्याण होगा। सबको पता है कि नहीं, कि किसको नहीं पता कि नाम जपने से कल्याण होगा, लेकिन नाम कौन बताएगा, उपाय कौन बताएगा? उपाय गुरु बताएगा, उपाय संत फकीर बताएंगे। ध्यान देना, जीवन में 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। कितनी चीजें? एक संत, एक ग्रंथ और एक मंत्र। कितनी चीजें? एक संत, एक ग्रंथ और एक, जिसके जीवन में ये 3 चीजें हैं महाराज कदाचित उसका पतन होने वाला। 3 चीजें गुरु ने उपाय बताया कि ऐसा करो, पर्वतराज हिमाचल के यहाँ जाओ। पिछले जन्म में पर्वतराज हिमाचल ने माँ भगवती की तपस्या की थी, माँ भगवती ने उनको वरदान दिया था कि मैं कन्या बन करके तुम्हारे घर जन्म लूंगी। अब पर्वतराज अगर माँ भगवती को पुकारेंगे तो माँ भगवती उनके घर कन्या बन करके जन्म लेगी। देवता बड़े प्रसन्न हो गए, उपाय पता लग गए, उपाय पता लग गया तो बड़े प्रसन्न हुए। गुरु जी को प्रणाम करके चले, आइए 1-2 मिनट के लिए हम भी अपने गुरु जी को प्रणाम करें। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। आप लोग खड़े खड़े थक जाएंगे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।